नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है माफिया अतीक अहमद को लेकर। साथियों, आपको बताते चले कि प्रभात खबर की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली बड़ी सफलता। उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को भगाने के आरोपी अतीन जफर को शुक्रवार रात प्रयागराज जिलाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। अतीन जफर पर माफिया अशरफ के केंद्रीय कारागार 2 बरेली में बंद रहने के दौरान अवैध मुलाकात कराने का आरोप है। उसके खिलाफ NBW जारी किया गया था, मगर 6 महीने से पुलिस तलाश में जुटी थी। पुलिस वारंट लेकर शुक्रवार को प्रयागराज पहुंची थी। प्रयागराज पुलिस की मदद से उसे देर रात गिरफ्तार कर लिया गया, मगर अब बरेली ले जाया जा रहा है। शहर के B3 चैनपुर थाने में माफिया अतीक अशरफ के साले सद्दाम, लल्ला गद्दी, अतीन जफर समेत कई लोगों के खिलाफ मार्च में FIR दर्ज की गई थी। इन लोगों पर आरोप था कि ये जेल में अशरफ को VIP ट्रीटमेंट दिलवाते थे। इसके साथ ही अतीन जफर भी फरार चल रहा था। हालांकि लल्ला गद्दी व अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज चुकी है। ये सभी आरोपी जेल में। इस मामले में कोर्ट ने अतीन जफर गुड्डू बम्बाज का गैर जमानती वारंट जारी किया था। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए SSP घुले सुशील चंद्रभान ने 2 टीमें प्रयागराज भेजी थी। पहले एक दरोगा वारंट तामील कराने प्रयागराज पहुंचे, इसके बाद एक और टीम प्रयागराज के लिए रवाना की गई। दरोगा ने जब वारंट चस्पा किया तो वो वहां से लौट आए। इसके बाद अतीन जफर बेखौफ होकर बाहर निकला, उसे प्रयागराज पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। बरेली पुलिस अतीन जफर को देर रात बरेली के लेकर रवाना हुई। आपको बताते चले कि आरोपी अतीन जफर ने 24 फरवरी 2023 की रात 9 बजे लखनऊ में असद के ATM से रुपए निकाले थे। इस दौरान अतीन जफर की फोटो कैद हो गई थी। प्रयागराज में 24 फरवरी को ही उमेश पाल की दोपहर में हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए असद ने अपना मोबाइल नंबर ATM लखनऊ में छोड़ दिया था। इससे पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस ना कर सके और उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक के बेटे असद को बचाया जा सके। हालांकि असद की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी थी। आपको बता दें कि बरेली पुलिस 1 लाख के इनामी माफिया अशरफ के साले सदाम और गुड्डू बम्बाज की तलाश में जुटी है। सदाम के दुबई में होने की फोटो मिली थी, लेकिन पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पाई। उसके अलावा गुड्डू बम्बाज भी फरार चल रहा है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TI News।